नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए प्रत्याशी प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन प्रचार पर कोरोना का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। सियासी दलों ने मास्क को प्रचार का सबसे बड़ा साधन बना लिया है। द मास्क हॉलीवुड की ये चर्चित फिल्म थी। जिम कैरी की ये फिल्म हिट रही थी। आज मास्क फिर चर्चा में है, महामारी कोविड की वजह से। चर्चा इतनी है कि मास्क राज्य के निगम चुनावों में सियासी दलों के लिए प्रचार का हथियार बन गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खुद मास्क तैयार किए हैं, जिन पर हाथ का सिंबल है। ये प्रचार के लिए बांटे जा रहे हैं। अब की पहली बार ये तय किया गया था कि जो भी प्रत्याशी होंगे उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से मास्क दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक बुकलेट दी जाएगी, जिसके अंदर जो कांग्रेस ने नगर निकाय चुनावों के अंदर नगर निकायों के अंदर जो काम किए हैं उनके बारे में सारी जानकारी होगी। चुनावों को लेकर प्रचार सामग्री की दुकानें सज चुकी हैं। कोविड थीम पर प्रचार सामग्री को लेकर नेताओं के बीच क्रेज है। ये हमारे पास सभी तरह की चुनाव प्रचार सामग्री होती है, झंडे, बैनर, स्टिकर वगैरह। लेकिन अब जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना काल को देखते हुए हमारे पास मास्क की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। सभी पार्टी के मास्क होते हैं हमारे पास, निर्दलीय की भी होते हैं, पार्टी की भी होते हैं, तो मास्क की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है हमारे पास। मास्क को प्रचारित करने में गहलोत सरकार अग्रणी रही है। अब ये मास्क न केवल जीवन को बचाने से जुड़ा काम कर रहा है, बल्कि चुनावी प्रचार का हथियार भी बन गया है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।